आप सो रहे हो, सोच रहे हो कि मैं रोने जैसे क्यों हूँ। अभी मम्मी की रिपोर्ट लेके आ चुका हूँ और आपको बताता हूँ रिपोर्ट में क्या आया है। हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, माय नेम इज जयेश परिहार एंड यू आर वाचिंग अगेन जयेश परिहार चैनल। मम्मी पापा करते हैं जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। पापा जी जय श्री राम। पापा जी, परसों जो हुआ था बाइक के साथ में वो मैं इनको बता देता हूँ, आप ये वीडियो क्लिप पहले देखिए फिर बताता हूँ। देखो ये बंद किया, ये ऐसे चालू है, हटो इन्हें बंद कर दो, मीन सेट स्टैंड लगा दो ना, बटर झुक जाओ। ये ऐसे चालू है, ये बंद कर दिया तो भी चालू है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, अब मुझे क्या है, इसकी बैटरी चेंज करने जाना है। या तो बैटरी खराब हो गई होगी या तो बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा। अगर बैटरी चार्ज हो गई तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं, लेकिन इसका वारंटी कार्ड अपने पास है तो मे भी शायद अगर वारंटी में एक्सपायर होगी तो बात अलग है, वरना एक बार चार्ज करवा के देखते हैं। तो मैं अभी जो है चार्ज कराने जा रहा हूँ, ठीक है? चलो हम चार्ज करें, बिल्कुल कोतली आएगी ये एक बे। धन्यवाद, ठीक है। तो मैं जाता हूँ बाइक वाले के पास पहले, उसने बोला 8 बजे आ जाना। बैटरी ले जाओ। हाँ ओवर है, वो तो हो गया वो पूरा। कोई बात, अरे देख तो दो, देख ले बैटरी भी देख लूँ मैं। और विनय कह दे जो तू लीक है विन के नहीं जा पहले कि भाई आप बैटरी सरकम नहीं ली हुई है और आप कही है इन्हें जो ये स्टार्ट करूंगा, स्टार्ट भी नहीं हो रही बाइक और ऐसे स्टार्ट हो जाएगी सर, पता नहीं किसने कल साइड का कान तोड़ दिया। तो अभी देखो स्टार्ट करता हूँ, ऐसे चल बस बैटरी लूँगा। तो अभी जाता हूँ पहले बैटरी वाले के पास में, उसको चार्ज करा के देखते हैं, चार्ज हो गया तो अच्छी बात है वरना चेंज करानी पड़ेगी बैटरी। गैरेज वाले की दुकान तो इतनी जल्दी खुली नहीं, तो फिलहाल मैं उनके सामने जस्ट जो है चाबी दे के आया हूँ और बोल दिया जस्ट सबसे पहले मेरी चार्ज कर देना। मैं गया था मस्त मम्मी की रिपोर्ट लेने के लिए और अभी मम्मी की रिपोर्ट लेके आ चुका हूँ और आपको बताता हूँ रिपोर्ट में क्या आया है। मम्मी जी आपको बताता हूँ रिपोर्ट में क्या है। एक तो ब्लड प्लेटलेट जो है मम्मी के वो बहुत बढ़ चुके हैं, 4,93,000 ज़्यादा बढ़ गए हैं। और मेन जो मम्मी की दिक्कत आई है वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए 240 हाई रिस्क पे, मम्मी का 260 है। समझे मम्मी, कट दिक्कत आ रही है, कोलेस्ट्रॉल आप बहुत बढ़ गया है, हाई रिस्क भी 20 ज़्यादा है, 240 होना चाहिए, 260 है। करा बेटा फाजर, अब आपको तेल तलाव जितना है वो सब कम खाना है, बंद कर देना है अभी फिलहाल के लिए, बंद कर देना है। और ये गोली भी दी है अभी फिलहाल, ये तो लेनी है पर इससे सिर्फ कंट्रोल, 10 दिन के बाद और लेनी है क्या? नहीं, फिर ये डॉक्टर ने बोला कि एक बार ये लो तो एक बार रुक जाएगा, फिर धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल कैसा मम्मी, ब्लड गंदा होता है, फिर आपस शुद्ध करना अपने हाथ में खान पान के द्वारा, ठीक है? एक बार और बढ़ा था पहले, हाँ बीच में एक और बार बढ़ा था मम्मी का ना, उस टाइम वो दूधी का जो, उस टाइम दूधी का तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, उसके लिए तेल की अभी तेल ज्यादा डालने लगे सब। कोई अब से तेल कम खाना है और तेल तलाई चीजें ही कम खानी है, अब खा लोगे ऐसा तो मुझे पता, टेस्ट नहीं है। चलो तो अभी मम्मी की रिपोर्ट भी आ गई है और अब मैं जाता हूँ मस्त मार्केट, क्योंकि बच गए हैं 2, तो मैं मार्केट जाके आता हूँ, पापा को भी लेके जाता हूँ साथ में, पापा भी रेडी है। चलो हम जाके आते हैं मम्मी जी, ठीक है? तो मम्मी की तबीयत अभी थोड़ी लो थी, कल की डॉक्टर से रिपोर्ट आई और आप सो रहे हो, सोच रहे हो कि मैं रोने जैसे क्यों हूँ, तो मुझे कुछ हुआ नहीं है, यहाँ पे भाभी कांदा फिट कर रहे हैं इसलिए थोड़ी रोने जैसी हालत है, चाह के भी मैं हंस के बात नहीं कर पा रही हूँ, आंखें जल रही है, अभी तो नॉर्मल थी, एक सेकंड में रोना आ गया। यहाँ पे मैं आम रस की तैयारी कर रही हूँ, सोचा आप लोगों को भी बता दूँ, बट अभी हंस भी नहीं पा रही हूँ मैं, कांदे है, कांदे दुश्मन होते पता तो है आपको, रुलाते ही है ना भाभी, सबके दुश्मन होते हैं, हंसते इंसान को भी रुला देते हैं, तो इसलिए रोना आ रहा है। टेक्निक है प्याज काटने की, जब आप प्याज काटते हो तो सामने सामने देखे देखते जो आँखें इतनी नहीं झुकती। अच्छा, पर मैं तो नहीं देख रही, मैं तो मेरा आम रस को देख रही, आम रस तो नहीं रुला रहा।
चलो जी मैं आ चुका हूँ वापस घर पे, और यहाँ पर आते करते हैं मस्त कान्हा जी को प्रणाम। हे कान्हा जी, मैंने सद्बुद्धि दीजो, विद्या दीजो, धन दीजो, संपत्ति दीजो, सुख शांति राखो। चलो अभी बाहर जाते हैं, बाहर का हाल चाल जो है आपको थोड़ा सा बताते हैं विस्तार में और थोड़ा संक्षिप्त में। सो मम्मी की हालत कैसी है वो तो आप देख सकते हो। मम्मी की अगर तबीयत अब दुख रहे हो, थोड़ा टाइम लागे, धीरे धीरे जिको है नहीं फाचो, कोलेस्ट्रॉल जिको है कम रहिए, टेंशन मत, एकदम आपकी डाइट का पूरा एकदम ख्याल रखेंगे, एकदम सही कर देंगे, टेंशन मत। पापा जी मस्त यहाँ पर, वो क्यों आए हो क्रेडिट कार्ड, हाँ क्यों ना ब्रो, क्या बात करो, बढ़िया। चलो मम्मी का क्रेडिट कार्ड भी यहाँ पर आ गया है HDFC से, और खाने की तैयारी तो चल रही होगी अंदर। हेलो जी, हेलो हेलो, बोलिए जी। क्या कर रहे हो आज? ओह ये रस इतना पीला पीला क्यों है? सीजन के बगैर लाओगे, कच्चा कच्चा पीला पीला ही होगा। ये सीजन वाला नहीं है ना, अभी तक केसर नहीं है, ये लंगड़ा लगता है। पूछा पापा को, आप और पापा ले गए, आपको पता? मैं नहीं लेके आया, तो मैं लेके आया पापा, तो पूछा पापा को, पापा को पूछना पड़ेगा लंगड़ा कहाँ से लाया आप हमारे पास। इसलिए वैसे स्वाद भी है क्या? कैसा लगा? एक मजा नहीं, हो सकता है मजा क्यों नहीं है, इतना तो बढ़िया बना, इतना तो लग रहा है स्वादिष्ट। स्वादिष्ट पी लीजिए आप, रिएक्शन देखे ऐसा खट्टा खट्टा होगा ना, उसकी शक्ल देख के पता चल रहा है। अपना मतलब केसर आम होता है, सबसे बेस्ट वही लगता है केसर वाला। केसर लाए नहीं तो क्या करें? आए नहीं क्या करें? तो वही है, वेट करो, पक रहे हैं पहले आम, पक रहे पता है, पापा क्या बोल पता है, इसलिए ऐसे है जो आम होते लू से पकते पता है, आपको लू में डाल के दूं, लू क्या होती पता है, लू में डाल के दूं कुछ भी। सो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।